जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, हमने सारे केस देखे कि कैसे लोड वेरी कर सकता है। दूसरा केस हमने देखा था कि कैसे सोर्स को वेरी कर सकते हैं, दैट पैरामीटर इज नोन एज लाइन रेगुलेशन, कि अगर आपने लाइन में कुछ सप्लाई वोल्टेज में अगर कुछ चेंज किया तो आउटपुट पे उसका कितना इफेक्ट होगा, अगर लोड में कुछ चेंज किया है तो आउटपुट में कितना इफेक्ट होगा, दैट पार्ट इज लोड रेगुलेशन। अब हम कोशिश करते हैं कि जितने क्वेश्चंस गेट और ईसी और इलेक्ट्रिकल में आए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में आए हैं, सभी को एड्रेस करेंगे। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है आपको, अ जीनर डायोड इन द सर्किट हैज ए नी करंट ऑफ 5 mA। तो जीनर का जो मिनिमम करंट दिया है वो मैं लिख लेता हूं यहां, नी करंट ऑफ जीनर, मिनिमम करंट टू इंटर इन ब्रेकडाउन इज गिवन एज 5 mA, और आपको दिया है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ जीनर डायोड इज 300 mW। पावर डिसिपेशन ऑफ जीनर डायोड इज प्रोडक्ट ऑफ वी जेड एंड आई जेड मैक्सिमम। जीनर का जो मैक्सिमम करंट, जितना जीनर एक्सेप्ट कर सकता है ब्रेकडाउन में, वो करंट भी दिया है आपको। तो पावर डिसिपेशन दिया है आपको 300 mW, तो 300 mW इज ए प्रोडक्ट ऑफ वी जेड। जीनर का वोल्टेज दिया है 6, जीनर का वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट, सो 6 वोल्ट जीनर एंड आई जेड मैक्सिमम। सो आई कैन से द वैल्यू ऑफ आई जेड मैक्सिमम इज इक्विवेलेंट टू 50 mA। तो जीनर के बारे में दो दिए कि मैक्सिमम जीनर ब्रेकडाउन में जाने के लिए 5 mA करंट की जरूरत है, और मैक्सिमम जीनर करंट एक्सेप्ट कर सकता है रिवर्स बायस में 50 mA। अब आपको बोला है लोड करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सेफली फ्रॉम द सर्किट कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट 6 वोल्ट। अगर आउटपुट वोल्टेज को 6 वोल्ट पे मेंटेन करना है तो लोड की मिनिमम और मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या हो सकता है। अगर करंट ही पूछा है, इसमें यह भी बता सकता हूं कि लोड का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है 0 mA, 180 mA, और ये चारों ऑप्शन है। तो हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इसको, और जरा देखें कि कैरेक्टरिस्टिक में यह पार्ट दिया है आपको, दिस इज जीनर कैरेक्टरिस्टिक। टू मिली एम्पियर एंड मैक्सिमम करंट वी कैन टेक फ्रॉम द जीनर इज 50 mA, एंड जीनर वोल्टेज इज गिवन एज 6 वोल्ट। इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ मुझे जीनर को एनालाइज करना है, तो इसका एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि आउटपुट आपको 6 वोल्ट मिल रहा है, और आउटपुट 6 वोल्ट तभी मिल सकता है जब आपका जीनर हो ब्रेकडाउन में। जीनर ब्रेकडाउन में होगा तो ही आपको आउटपुट मिलेगा 6 वोल्ट। दिस पोटेंशियल इज गिवन एज 9 वोल्ट। आउटपुट 6 वोल्ट तभी मिल सकता है जब जीनर ब्रेकडाउन में हो। तो मैं मान लेता हूं ऐसा कि जीनर ब्रेकडाउन में है, तो टोटल करंट कितना बनाएगा, मैं सारे करंट मेंशन करता हूं। लेट से दिस करंट इज आई एस, सोर्स करंट, और दो करंट और है मेरे पास सर्किट में। एक है जीनर करंट जो रिवर्स ब्रेकडाउन में फुल फ्लो होगा, और उस करंट का रेटिंग है 2 mA to 50 mA। तो दिस करंट इज ए जीनर करंट आई जेड, एंड दिस करंट इज ए लोड करंट आई एल। तो यहां बात की जा सकती है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो आई कैन से द वैल्यू ऑफ सोर्स करंट इज 9 वोल्ट हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50। नाउ द वैल्यू ऑफ जीनर करंट, जीनर करंट कैन वेरी इन द रेंज ऑफ 2 mA to 50 mA. This is maximum and minimum current that जीनर can accept, and
वन मोर वेरिएबल इज लोड करंट. सो वी आर इंटरेस्टेड इन लोड करंट. व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट. सो आई कैन से 9 - 6 = 3/50, और आई कैन से द बाय KCL दैट टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वलेंट टू आउटगोइंग करंट. और इनकमिंग करंट एट दिस नोड, द नोड ऑफ जीनर डायोड, इनकमिंग करंट इज IS. अगर इस नोड की बात की जाए, इस नोड की अगर बात की जाए तो जीनर पे शॉर्ट सर्किटेड नोड. सो इनकमिंग करंट फॉर द जीनर इज IS एंड आउटगोइंग करंट इज IL प्लस IZ. अब मेरे पास इनकमिंग करंट का वैल्यू फिक्स है. दिस इज 9 - 6 = 3/50. 3/50 मींस 60 mA. जो सोर्स सप्लाई करेगा उस करंट का वैल्यू है 60 mA. एंड 60 mA इज ए कॉन्स्टेंट. अगर जीनर डायोड ब्रेकडाउन में है तो यह करंट 60 mA से चेंज नहीं होगा. तो आई कैन से IS इज ए कॉन्स्टेंट. अब IS अगर कॉन्स्टेंट है तो दो वेरिएशन ला सकता हूं मैं, कि जब जीनर में मिनिमम करंट जाएगा तो लोड मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा बाय कीपिंग IS कॉन्स्टेंट. और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि जब IS कॉन्स्टेंट है तो जीनर जब मैक्सिमम करंट लेगा टू मेंटेन द ब्रेकडाउन, देन लोड करंट विल बी मिनिमम. तो ये दो इक्वेशंस बनाई जा सकती है बिकॉज द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर IL एंड IZ इज इक्विवेलेंट टू कॉन्स्टेंट. सो आई कैन राइट I can write 60 mA is equivalent to IZ minimum. और जैसा जीनर का कैरेक्टरिस्टिक में दिया है कि जीनर मैक्सिमम 2 mA ड्रॉ करेगा तो ही ब्रेकडाउन में जाएगा, तो IZ minimum is 2 mA. If IZ minimum is 2 mA, I can have the value of load maximum current. Maximum current then load can draw is 60 - 2 = 58 mA. तो आई कैन से IL मैक्सिमम, द मैक्सिमम करंट दैट लोड कैन टेक इज 58 mA. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम लोड करंट. सो आई कैन से 60 mA. दिस इज सेकेंड पार्ट. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2, 60 mA is equivalent to IZ maximum, and maximum value that zener can accept is 50 mA. 50 mA के बाद ये zener damage हो जाएगा. ये maximum power rating है इसका, ये manufacturer बताएगा आपको. 50 mA plus IL minimum. So we can say IL minimum is equivalent to 10 mA. तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि लोड कितना मिनिमम और मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकता है बाय मेंटेनिंग आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू 6 वोल्ट. तो आउटपुट को 6 वोल्ट पे मेंटेन करके लोड में इतना वेरिएशन किया जा सकता है. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और नहीं पूछा है, वो भी पूछा जा सकता है कि लोड का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है. तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि अगर जीनर ब्रेकडाउन में है और जीनर के अक्रॉस पोटेंशियल 6 वोल्ट है तो लोड के अक्रॉस भी पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा. तो आई कैन से 6 वोल्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ IL लोड करंट इनटू लोड वोल्टेज. लेट से लोड आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय RL. तो 6 वोल्ट इज ए कॉन्स्टेंट. सो आई कैन से वेन एवर लोड करंट इज मैक्सिमम, द लोड इज मिनिमम, सो दैट प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट. और वेन एवर लोड करंट इज मिनिमम, द लोड इज मैक्सिमम. तो लोड का भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताया जा सकता है. तो वी कैन से 6 वोल्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर लेट से 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. सो फॉर इक्वेशन नंबर 3 आई कैन से 6 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू लोड करंट मैक्सिमम विच इज 58 mA.
into RL minimum. So I can have the minimum value of load current is 6 by 58 kilo and maximum value RL maximum is 6 divided by 10 milliampere. 10 milli will make this as a kilo. तो मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से यह भी बता सकता हूं कि लोड करंट में कितना वेरिएशन पॉसिबल है बाय मेंटेनिंग द पोटेंशियल अक्रॉस लोड 6 वोल्ट, और आई कैन कमेंट ऑन द रिक्वायर द वेरिएशन ऑफ लोड कि लोड कितना लगाया जा सकता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन था जो लोड रेगुलेशन का था कि लोड में वेरिएशन करने से आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखा जा सकता है, और इसी का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटर. सो I can comment on maximum and minimum value of RL and maximum and minimum value of load current. So I can say IL can vary 58 milliampere in this range, 58 milliampere, 10 milliampere to 58 milliampere. Or we can draw the characteristic. Let's say horizontal axis represents load current in milliampere, vertical axis represents VZ. So we can say it maintains 6 volt in the range of 10 milliampere to 58 milliampere. तो इसके आगे हम और क्वेश्चंस देखते हैं. जीनर में क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है, या तो फिर सप्लाई में कुछ चेंज हो या लोड में कोई चेंज हो, तीसरे टाइप का क्वेश्चन जीनर में नहीं बनता. तो जरा देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वोल्टेज रेगुलेशन अक्रॉस जीनर डायोड, एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2019 गेट इन ईसी ब्रांच. Question says that the circuit in the figure is used to provide a regulated voltage of 5 volt across 1 kilo ohm resistance. The voltage across 1 kilo ohm resistance is 5 volt. ये resistance 5 volt तभी हो, ये voltage 5 volt तभी हो सकता है जब zener का breakdown voltage भी मेरे पास हो 5 volt parallel में है. आगे लिखा है अज्यूम दैट द जीनर डायोड हैज अ कांस्टेंट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर अ करंट रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम जीनर करंट रिक्वायर्ड 2 मिली एम्पियर टू मैक्सिमम अलाउएबल. ओके, जीनर डायोड जो दिया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इन्होंने बोला है कि जो जीनर डायोड है अगर उसके अक्रॉस मिनिमम करंट जीनर में जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 2 मिली एम्पियर, तो जीनर ब्रेकडाउन में चला जाएगा 2 मिली एम्पियर टू मैक्सिमम कितना भी ले सकता है, कोई इश्यू नहीं है उसमें. द इनपुट वोल्टेज में वेरी 5% फ्रॉम इट्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ 6 वोल्ट. इनपुट दिया है मुझे 6 वोल्ट और 6 वोल्ट वेरी कर सकता है प्लस माइनस 5% से. अब जरा देखें 6 का 5% कितना, 6 का 10% हुआ 0.6, तो 5% हुआ 0.3, यानी वैल्यू जा सकता है. आई कैन राइट दिस इज 6 प्लस 6 इंटू 5%, तो इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है. 0.3 इज 5%, सो इट्स 6.3 टू 5.7. इतना रिपल VI ड्रॉ कर सकता है, VI सप्लाई कर सकता है सर्किट को. आगे देखें द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इन ब्रेकडाउन इज नेग्लिजिबल, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक शार्प है, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इट्स आइडियल वोल्टेज सोर्स. द जीनर इन ब्रेकडाउन विल एक्ट एज आइडियल वोल्टेज सोर्स, और ये जीनर आपको दिया है 5 वोल्ट जीनर. आगे देखें आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ आर की रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है एंड मिनिमम रिक्वायर्ड पावर डिसिपेशन रेटिंग. अब यहां देखें मिनिमम रिक्वायर्ड पावर डिसिपेशन रेटिंग का मतलब क्या, कि हमने पावर डिसिपेशन रेटिंग पढ़ा है जीनर के लिए VZ इंटू IZ मैक्सिमम. लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि मिनिमम रेटिंग का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी जीनर प्रोवाइडर के पास जाएंगे तो उससे बोलेंगे कि मुझे मिनिमम इतने
ऐसा डायोड की रिक्वायरमेंट है जिसके अक्रॉस इतना पावर डिसिपेशन एक्सेप्टेबल हो, है ना। तो मिनिमम पावर डिसिपेशन रेटिंग इज मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन, तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। जो पावर का फॉर्मूला है, पावर डिसिपेशन इज वीजेड इंटू आईजेड मैक्सिमम, सेम। फिर से सुने, पावर डिसिपेशन मिनिमम रिक्वायर्ड पावर डिसिपेशन रेटिंग का मतलब है कि आपको मिनिमम किस रेटिंग के कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है जिसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन इतने मिलीवॉट हो। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन, या मैक्सिमम पावर डिसिपेशन को मैं बोल सकता हूं मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ दिस डायोड, और दूसरा पूछा है आर का वैल्यू कितना है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस किया जाए। क्लियरली 6 वोल्ट नॉमिनल वैल्यू है और 5% उसमें वेरिएशन है, तो क्लियरली ये लाइन रेगुलेशन का क्वेश्चन है कि 6.3 टू 5.7 इसके बीच में अगर इनपुट वेरी करता है और आउटपुट को 5 वोल्ट फिक्स रखना है, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना और मैक्सिमम जीनर करंट कितना, इसके बारे में हम बात करें। इस क्वेश्चन को देखने पर यह समझ में आता है कि जीनर का जो मिनिमम करंट है और द मिनिमम करंट ऑफ जीनर नी करंट इज 2 मिली एम्पियर। जीनर का मिनिमम करंट है 2 मिली एम्पियर। तो जरा देखते हैं, मैं सारे करंट मार्क करता हूं इस सर्किट में। फर्स्ट करंट इज अ सोर्स करंट विच इज वेरिएबल नाउ, वो वेरी कर सकता है सप्लाई के साथ। एंड सोर्स करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो जीनर लेगा और एक करंट लेगा लोड IL। तो बाय अप्लाइंग KCL एट आउटपुट, अगर मैं इसको एक नोड अज्यूम करूं, तो आई कैन से द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्विवेलेंट टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो मैं यहां KCL लगा देता हूं। तो अगर मैं यहां KCL लगाऊंगा, तो आई कैन से KCL एट आउटपुट, KCL एट आउटपुट नोड, द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्विवेलेंट टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट है मेरे पास नोड की तरफ आने वाला IS, और IS ही दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक करंट बना है IZ और एक करंट बना है IL। तो बेसिक इक्वेशन फॉर दिस सर्किट विल रिमेन सेम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही थी, आने वाले सारे क्वेश्चन में भी यही बनेगा कि सोर्स जितना करंट ड्रॉ करेगा उतना जीनर भी लेगा, उतना लोड भी लेगा। आप ध्यान रखें, जीनर खुद पावर ड्रॉ, करंट ड्रॉ नहीं करता, एक्सेप्ट करता है करंट, वो है ना, पावर एब्जॉर्ब करेगा सर्किट के अंदर। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास IS वेरिएबल है, IS वेरी करेगा। IS वेरी इसलिए करेगा क्योंकि IS का रेंज है 5.7 टू 6.3, मतलब VI को मैं लिख सकता हूं VI कैन वेरी बिटवीन दिस टू लिमिट, VI मिनिमम एंड VI मैक्सिमम, और आई कैन से VI वेरीज बिटवीन 5.7 वोल्ट टू 6.3 वोल्ट। जब मेरे पास सप्लाई वोल्टेज मिनिमम, अच्छा मैं करंट लिख लेता हूं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ IS करंट विल बी VI माइनस 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय R। अब IS, अगर VI मिनिमम होगा तो IS भी मिनिमम होगा, तो आई कैन से IS मिनिमम इज VI मिनिमम। व्हाट इज VI मिनिमम, VI मिनिमम इज 5.7, तो दिस इज 5.7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय R। तो IS मिनिमम इज 0.7 डिवाइडेड बाय R। अच्छा, IS मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, IS मैक्सिमम जब मेरे पास सोर्स वोल्टेज मैक्सिमम होगा जो कि 6.3 है, तो आई कैन से 6.3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय R, विच इज 1.3 डिवाइडेड बाय R। तो मेरे पास दो वैल्यू मिली है, एक मिला है IS मिनिमम और दूसरा मिला है IS मैक्सिमम। तो ये IS मिनिमम का वैल्यू हुआ और ये वैल्यू हुआ IS मैक्सिमम का वैल्यू। जरा देखते हैं कैसे काम करेगा। अब मेरे पास जीनर का मिनिमम करंट मुझे दिया है और मैक्सिमम करंट मुझे बताना है कि जीनर के अक्रॉस मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है बाय मेंटेनिंग द आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट। इसको देखते हैं। सो मिनिमम जीनर करंट इज 7 बाय R, IS मिनिमम
इज इक्वलेंट टू आई जेड मिनिमम प्लस, एक और करंट है मेरे पास लोड करंट, लेकिन लोड करंट की स्टैटिक्स बिल्कुल क्लियर है कि लोड के अक्रॉस अगर पोटेंशियल है 5 वोल्ट और करंट है ये रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, तो लोड करंट फिक्स है, लोड करंट केवल मिल सकता है मुझे 5 मिली एम्पियर, ये हो गया कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं लोड करंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम, लोड करंट इज ए 5 मिली एम्पियर, 10 डिवाइडेड बाय 1 के 5 मिली एम्पियर। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ आईएस मिनिमम, तो आई कैन से द वैल्यू ऑफ आईएस मिनिमम इज 0.7 डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ मिनिमम जी नी करंट ऑफ जीनर विच इज 2 मिली एम्पियर एंड लोड करंट इज 5 मिली एम्पियर, सो आई कैन से द वैल्यू ऑफ आर इज 0.7 डिवाइडेड बाय 7 मिली एम्पियर विच गिव्स अस 100 ओम। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 100 ओम। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो आ गया कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो सकता है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम है। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम जीनर करंट, मैक्सिमम जीनर करंट की रिक्वायरमेंट इसलिए है सो दैट आई कैन कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ दिस डायोड, कि मुझे किस रेटिंग का डायोड खरीदना है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन आईजेड मैक्सिमम, मैक्सिमम अलाउड जीनर करंट, जरा देखते हैं। तो एक वैल्यू तो मैंने रेजिस्टेंस का निकाल दिया है 100 ओम, अब नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन आईजेड मैक्सिमम, आईजेड मैक्सिमम का वैल्यू पता चलेगा, तो आईजेड मैक्सिमम में वीजेड का मल्टीप्लाई करके मैं मैक्सिमम पावर रेटिंग निकाल लूंगा। तो आईएस मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, आईएस मैक्सिमम इज 1.3 डिवाइडेड बाय आर, और 1.3 डिवाइडेड बाय आर, आर भी दिया है मुझे 100, तो आई कैन राइट डायरेक्टली 100 इज सम ऑफ, अगर सोर्स करंट मैक्सिमम होगा तो जीनर भी मैक्सिमम करंट एक्सेप्ट करेगा। बाय लुकिंग एट दिस इक्वेशन वी कैन कमेंट, और IL तो कांस्टेंट है 5 मिली एम्पियर, तो इसको लिख दिया मैंने 5 मिली एम्पियर, दिस करंट इज 13 मिली एम्पियर, सो आई कैन से 13 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर इज मैक्सिमम जीनर करंट। तो मैक्सिमम जीनर करंट का वैल्यू आया है मेरे पास 8 मिली एम्पियर, 13 माइनस 5 इज 8 मिली एम्पियर। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए जिस डायोड की रिक्वायरमेंट है उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, तो दिस इज पावर डेसिपेशन इज वीजेड इनटू आईजेड मैक्सिमम। अब वीजेड का वैल्यू दिया है मुझे 5 वोल्ट और आईजेड मैक्सिमम इज 8 मिली एम्पियर, तो दिस इज 40 मिली वॉट, तो आंसर इज 100 ओम एंड 40 मिली वॉट। तो ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन लाइन रेगुलेशन, कि अगर आपने इनपुट को वेरी किया है तो आउटपुट में कितना रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इसके आंसर्स हैं।